दोस्तों क्या आप भी दुबई में कंपनी को छोड़ना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। देखो अभी एक मुझे कमेंट्स आया था प्रमोद कुमार जी का, और मैंने एक वीडियो डाला था कि दुबई में एक कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी में कैसे जाएं और हाउ टू चेंज कंपनी। मैंने वही चीज़ बोला था कि अगर आपको किसी कंपनी को छोड़ना है, जहाँ पर काम कर उसे छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना है तो कैसे आप जाओगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था। उस वीडियो मुझे कमेंट्स आया था, कई सारे कमेंट्स आया था। मैंने एक कमेंट्स को पिक करा जो कि सिमिलर था, कई सारे लोगों ने करा था मेरे अलग अलग वीडियो पर कि भाई मैं दुबई में हूँ, 10-11 महीने हो गया है और उन्हें कंपनी को चेंज करना है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि 10-11 महीने हो गया है तो क्या उन्हें वीज़ा का कोई कॉस्ट देना पड़ सकता है, जो उनका वर्क वीज़ा है उसका पैसे देना पड़ सकता है, या फिर कंपनी को ऐसे चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या देना होगा उन्हें कंपनी में, ठीक है? तो ये जो कमेंट्स करा था प्रमोद कुमार जी ने, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपको है वो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ऐसे कमेंट पिक करके उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए इनके प्रॉब्लम को और बात करते हैं, और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम सेम हो तो आपके प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। तो देखो नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अगर 11 या 12 महीने अगर हमने काम करा है किसी भी कंपनी में, या 6 महीने से ज़्यादा हमने किसी भी कंपनी में काम करा है, तो हम कंपनी चेंज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए कंपनी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने किसी भी कंपनी में 6 महीने तक अगर एटलीस्ट आपने काम करा है तो उस कंपनी को आप चेंज कर सकते हो, चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मैनेजर, जो भी आपका मैनेजर है या सेठ बोलो, या तो वहाँ पर लोग अलग अलग चीज़ बोलते दुबई में, तो उनसे आपको बात करना है, बोलना है कि आपको इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर इतनी सैलरी मिली, अगर दूसरी कंपनी जाओगे तो इतनी मिलेगी, तो वहाँ पर बात करना। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपका वर्क वीज़ा की फ़ीस आपकी पेमेंट हो गई है, देखो कभी आपको पता है जब आप दुबई जाते हो तो विजिट वीज़ा पर जाते हो, और वहाँ पर जाकर जो हमारे एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, हमारा वर्क वीज़ा लगाता है, हमारा पूरा फीस पे करता है वर्क वीज़ा का। अगर 6 महीने के अंदर या फिर 8 महीने में छोड़ना चाहते हो तो 8 महीने के अंदर अगर आपके पूरे वर्क वीज़ा की फ़ीस आपने पेमेंट कर दी इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में करता है, थोड़ा थोड़ा आपकी सर्विस करता रहेगा, तो आपने वर्क वीज़ा की फ़ीस पूरा पेमेंट कर दिया होगा तभी आप कंपनी को छोड़ सकते हो। और आप अगर कंपनी को फिर भी छोड़ना चाहते हो तो जितना अमाउंट बचा है वो अमाउंट आपको उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर आप उस कंपनी को ये अमाउंट पे नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी और वो कंपनी आप छोड़ नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको लीगल तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, तो देखो अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो आप मैनेजर से बात करो, अगर आपने पूरा वर्क वीज़ा का फीस पे कर दिया तो बढ़िया है, अगर नहीं पे करा है तो जो भी रिमेनिंग पेमेंट है वो आपको फुल पेमेंट उन्हें करना होगा, जितना बाकी रह गया उतना आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप कंपनी को छोड़ सकते हो। कंपनी छोड़ने के लिए आपको 1 से 2 महीने पहले आपको देखना होगा वहाँ पर कितना चल रहा है, आपको 2 महीने पहले समझ लो, एटलीस्ट 1 महीने पकड़ लो या 2 महीने पहले आपको उस कंपनी में जो भी आपका मैनेजर होगा उसे आपको एनओसी देना होगा, नोटिस देना होगा। नोटिस में क्या लिखा होगा कि आप इस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, इस डेट को आप छोड़ेंगे, तो क्या ना कंपनी को 1-2 महीने पहले नोटिस देना होता है, ताकि आप जो जिस पोजीशन से आप जॉब छोड़ रहे हो, अगर आप वहां से छोड़ रहे हो तो वहां पर कोई नया बंदे को रिक्रूट करने में भी कंपनी को टाइम लगता है, उसे काम सिखाने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए आपको 1-2 महीने पहले जो है कंपनी को छोड़ने से पहले आपको नोटिस देना होगा। अगर आप नोटिस नहीं दोगे, डायरेक्ट सोच रहे हो कि 10 दिन में छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, ठीक है? आपको हो सकता है अगर आपने कंपनी को पासपोर्ट दिया हो तो फिर आपको पासपोर्ट भी ना मिले, मतलब देखो लीगल तरीके से तो उन्हें देना चाहिए, इलीगली वो लोग नहीं देते हैं तो इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1-2 महीने पहले आप नोटिस देते हो तो आप कंपनी को इजीली छोड़ सकते हो। भाई जो कमेंट करा था प्रमोद जी ने, तो उन्होंने भी अगर 10-11 महीने काम करा है तो आप देख लो कि आपका वर्क वीजा की जो फीस है वो पूरी कट चुकी है, फिर बाकी अगर कट चुके तो मैनेजर से बात करो, 1-2 महीने बाद का उन्हें नोटिस पीरियड दो कि मुझे 1-2 महीने में इस कंपनी को छोड़ना है या फिर कंपनी को छोड़ के घर जाना है, ठीक है? दोनों भी पोजीशन में तो बात करो और आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो। अगर अब कुछ लोगों का कमेंट्स रहेगा, अगर यहाँ पर भी इस पोजीशन पर भी अगर हम कंपनी को छोड़ नहीं पाते हैं तो क्या करना होगा? देखो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको दुबई लेबर लॉ के हिसाब से आप भाई छोड़ सकते हो, तो आपको हेल्प के लिए कहाँ जाना होगा? इंडियन एम्बेसी। आप पता करो कि आपकी इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, वहाँ पर जाओ, उन्हें हेल्प लो, उनसे बोलो कि हम यहाँ पर काम कर रहे थे और हमारा हमने जो यहाँ पर इतने टाइम तक काम करा, अभी हमें कंपनी चेंज करनी है और ये लोग हमारा पासपोर्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी और उसके बाद वो आपको वहाँ पर पुलिस वालों से भी बात करेगी, कंप्लेंट करेगी उस कंपनी के खिलाफ। तो इतना पहले आप याद रखो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो आप सबसे पहले एग्रीमेंट आप पढ़ लेना, अगर कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से आप 1 साल के अंदर अंदर कंपनी नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते, इतना याद रखो। अगर 2 साल का आपने एग्रीमेंट करा होगा तो 2 साल तक भी आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते हो, समझ गए? तो एग्रीमेंट मैटर करता है।
बाकी सारी चीजों को अगर आपने एग्रीमेंट, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया था ये भाई ने बोला था, कुछ लोगों ने और भी बोला था कि हमने तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं करा तो हम कब तक छोड़ सकते हो। तो देखो 10-12 महीने के अंदर तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनी ने आपको सिखाया होता है, सारा काम करा होता है, तो इसलिए आप 6 महीने के अंदर नहीं कर सकते हो। लेकिन 6 महीने के बाद आप कर सकते हो, वो भी 2 महीने पहले नोटिस पीरियड देके। वर्क वीजा की आपने फीस पे कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो वो पूरा पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद आप कंपनी को इजिली छोड़ सकते हो अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो, क्योंकि लीगल तरीके से भी कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। लेकिन अगर आपने किसी एग्रीमेंट को साइन करा तो भाई आपको जितना एग्रीमेंट उतना काम करना होगा, या तो अगर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो जितना अमाउंट है एग्रीमेंट तोड़ने का वो आपको पेमेंट करना होगा, फिर आप इजिली उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से कंपनी को छोड़ सकते हो या दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो या फिर वहाँ से इंडिया वापस आ सकते हो। अगर आप एग्रीमेंट तोड़ते हो तो आप इंडिया वापस आ भी सकते हो अगर वहाँ पर काम नहीं करना है तो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी कमेंट करें, आपका भी कमेंट पिक करा जाएगा नई वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।